देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं मखाना है, जिसको हड्डियों में दर्द रहती है और बहुत तरह की तकलीफ रहती है चलने में फिरने में और कैल्शियम का कमी है, तो आप इसको एक बार गुड़ मखाने बना करके ट्राई करके देखें, खाएं, तो आपकी हड्डियां जो है जो दर्द होती है वो नहीं होगी। तो चलिए कैसे बनाना है वो मैं दिखलाती हूँ। ये मखाना तो है देख लिए, और हाँ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और शेयर करिएगा चैनल को। तो चलिए इसको पहले क्या करना है वो मैं दिखलाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई बैठा दें, किसी भी तरह का कढ़ाई हो आपके पास, और इसको थोड़ी सी आप गर्म कर लें इस तरीके से। मखाने को इस तरीके से आप गर्म कर ले थोड़ी सी, क्योंकि गर्म रहने से मुरमुरी टाइप का हो जाता है, क्योंकि ऐसे मेहरा जाता है रखा हुआ रहने से। तो आप इसको थोड़ी सी गर्म कर ले इस तरीके से। गर्म हो गई है, अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इसी कढ़ाई में आपको थोड़ी सी आपको तिल, ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी, आप इसमें तिल मिला दें, क्योंकि हड्डियों के लिए तिल बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मखाने आपके फायदे करते हैं उसी तरीके से आपका तिल का भी वही काम है। तो इस तरीके से आपको हल्की सी इसको भी फुट फुट के आवाज़ आने तक इसको थोड़ी सी भून लेना है इस तरीके से। ये दोनों चीज़ आप मिला करके रख ले किसी चीज़ में, या तो ऐसे खाने में अच्छी तो नहीं लगती है, पर इसको थोड़ी सी गुड़ में डाल करके बना करके अगर थोड़ी थोड़ी दो दो पीस आप रोज़ डेली खाते हैं तो आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाएगी और आपके जो पैरों में दर्द रहती है वो दर्द नहीं करेगी। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं। तो आप देख सकते हैं हो गई है। अब पानी यहाँ थोड़ी सी डालने के बाद ही आ गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर गुड़ डालूंगी, गुड़ नहीं डालने से नहीं होगी। गुड़ डालना, देख सकते हैं ये गुड़ है, मैं यहाँ कूट के नहीं डाली हूँ, इसी तरह से हो जाएगी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना झंझट वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरीके आप डाल दें तो ईजिली पिघल जाती है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप एक चम्मच घी डाल दें इस तरीके से। आपको अगर नमक पसंद है तो आप नमक भी डाल सकते हैं, तो डालने से खट्टी मीठी लगती है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आप केवल गुड़ डालें। आप बीच में गुड़ को इस तरीके से चलाना है, देख सकते हैं गुड़ पिघल रही है, इस तरीके से चलाते रहना। तो इस तरीके से देख सकते हैं गुड़ को आपको कर लेना है, थोड़ी सी पानी ले लेना है और देखना है गुड़ आपकी चिपक रही है। देखिए गुड़ हो गई है, इसी तरीके से गुड़ होना चाहिए। अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ और इसमें देख सकते हैं तिल और मखाना जो है मैं भून के रखी थी उसको मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। दोनों को डाल के चलानी है। इस तरीके से मिला देनी है। अब देख सकते हैं इस तरीके के आपको बर्तन ले लेना है, और बर्तन में आपको इस तरीके का बर्तन लेना है और निकाल देना है। आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि आप इसे अलग कर सकें। कुछ देर आप छोड़ेंगे ठंडा होने तो ये अपने आप ही थोड़े से ठंडी हो जाएगा और इसको अलग आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से
थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, इस तरीके से अलग कर लेना है। देख सकते हैं अपने आप ही ठंडी हो जाएगी तो अलग हो जाएगी। तोड़ तोड़ के ऐसे ऐसे करके आप अलग कर सकते हैं। इसको दो पीस आप सुबह शाम खाते हैं तब की हड्डियाँ जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगी और कभी भी दर्द नहीं करेगी, क्योंकि मखाना और तिल दोनों जो है कैल्शियम का है। तो जो दवाइयाँ जो लेते हैं या नहीं भी लेते हैं तो आपको इसको डेली खाना चालू कर दें, बहुत ही फायदा करेगा। देख लीजिएगा अगर खाना चालू कर दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पैर में कभी भी दर्द नहीं होगी, कमर में कभी भी दर्द नहीं होगी। तो कैसा लगा मेरा ये देख मखाना और तिल, ज़रूर बताइएगा वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए भी। तो